मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने पहली बार इंडिया की जर्सी पहनी थी। उस दिन मैंने सिर्फ एक जर्सी नहीं पहनी, मैंने अपने परिवार का, दोस्तों का, कोच का, पूरे देश का और खुद अपनी उम्मीदों का भार अपने कंधों पर पहना था। बचपन से लेकर आज तक, जब से मुझे याद है, मेरी पूरी दुनिया एक ही चीज़ के आसपास घूमती रही है, वो है क्रिकेट। अपने करियर में मैंने इंटरनेशनल, आईपीएल, डोमेस्टिक सब खेला। आज का दिन थोड़ा अलग है, आज कोई वर्ल्ड कप या आईपीएल फाइनल नहीं है, लेकिन आज का दिन भी शायद उतना ही अहम है। लाला, आपको याद है जब आपने पहली बार बैट पकड़ा था? बिल्कुल याद है। वो बैट नहीं कह सकते कि वो बैट था कपड़े धोने के लिए जो डबनी और लोग बोलते धोखा 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 पहली बार जब बैट पकड़ा भारत के लिए, मुल्क के लिए, 2007 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, क्या फीलिंग थी वो टाइम पे? पूरे मुल्क के लिए जब पहली बार फाइनल में बैट पकड़ा मैंने, तो बहुत सी चीज़ें जहन में आती थी कि एक टाइम था कि हम लोग डोके से खेलते थे या डबनी से खेलते थे, फ्रूट की जो पेटी आती है उसका बैट बना के खेलते थे, और देश के लिए जब, मुल्क के लिए जब फाइनल में पहली बार बैट पकड़ा तो बहुत प्राउड फील कर रहा था और बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल, वो सेलिब्रेशन आज तक याद है जब हम लोग इंडिया आए थे। अमेजिंग। कभी भी बॉम्बे में जब जाते हैं, वो सड़क से निकलते तो आज भी याद आता है कि ये पूरी सड़क पे सारे लोग थे और फ्लैट से और छत से लोग फूल बरसा रहे थे। सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा रहा अपने करियर का? कभी ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से फाइट करना अच्छा लगा है। हाँ, ये है कि जब खेल नहीं रहा होता तब बहुत मुश्किल लगता है, रात को सो भी नहीं पाता। सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा अपने क्रिकेट करियर में? ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जो यादगार बनकर रहे। जब हम लोग पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद 50 ओवर्स हम लोग वर्ल्ड कप जीते इंडिया, 550 रन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था दिलीप ट्रॉफी में, वो चीज़ किया था। फर्स्ट इनिंग में 100 नाबाद, सेकंड इनिंग में 200 नाबाद, ऐसी बहुत सारी इनिंग जो बहुत लोगों को याद रहेगी। 37 बॉल में शतक लगाना आईपीएल में आसान काम नहीं है, आईपीएल क्रिकेट बहुत मुश्किल है। 16 या 17 बार मैन ऑफ द मैच होना, 2 बार KKR चैंपियन जब आप बनी थी, आप उसका हिस्सा थे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। राजस्थान रॉयल पहली बार आईपीएल जब मैन ऑफ द मैच भी बना, मैन ऑफ द मैच फाइनल में, इतना यादगार लम्हा मेरे लिए वो खास इसलिए भी था, पहली बार आईपीएल हो रहा था, जाहिर सी बात है, लेकिन पेरेंट्स अम्मी अब्बा मैच देखने आए थे, हम लोग मैच भी जीते, मैन ऑफ द मैच भी बना था। मैं एक मैच मुझे याद है, मैं सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में था, और आप, मुझे याद है कि आप जब ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो आपने पीछे मुड़ के कुछ बोला। मैं ये बोल के निकला कि यार देख, मैं आया पहली बॉल पे ही आता हूँ वापस वरना ये 13-12 ओवर के अंदर मैच खत्म करके आऊंगा। और खत्म किया। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा दिल गया कि मैं जाके आपको ये इनिंग के बाद चूम लूं। एक जहन में मेरी बात आती है लाला, कि मैंने जितने भी छक्के मारे तो मुझे जो छक्के मारना सिखाया वो आपने सिखाया, लेकिन आप कैसे कर लेते हैं? मेरा ये चीज़ गॉड गिफ्टेड है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ने वो ताकत दी है और उस वो नेचुरल ही है, तो मैंने हमेशा उसको बैक किया है और उसी में मुझे काफ़ी सक्सेस भी मिला है। यूसुफ पठान के लिए, लाला के लिए, शेर के लिए आगे क्या? आगे बहुत सी चीज़ें हैं। हम दोनों में था कि क्रिकेट ही खेलना है, और क्रिकेट के लिए हम लोगों जो जुनून था वो बरकरार है मेरा, और आगे भी इसी तरह लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, तुम्हें एंटरटेन करता रहूँगा, प्राउड फील करोगे। जैसा कि मैंने कहा, आज का दिन बहुत अहम है, आज समय आ गया है मेरी लाइफ का ये इनिंग ख़त्म करने का। देखा जाए तो मुझे क्रिकेट से दूर कोई नहीं कर सकता। आज मैं भले ही अपनी जर्सी उतार दूं, लेकिन वो उम्मीद अभी भी गर्व से अपने दिल में कैरी करूंगा। और इस सफ़र में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीम और पूरे देश ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा उतना ही आपका है जितना मेरा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही मेरे हौसला अफजाई करते रहेंगे।